बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन एट होम। आई एम योर मैथ्स टीचर हिफ्सा बतूल, क्लास फर्स्ट ईयर। टुडे इज योर सेकंड लेक्चर, थर्ड सिक्स्थ लेक्चर, डेट 3 दिसंबर 2020। ओके जी, लेट्स स्टार्ट। लेक्चर नंबर सिक्स, चैप्टर नंबर 12, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, टॉपिक सॉल्यूशन ऑफ ऑब्लिक ऑफ ट्राइंगल, केस नंबर 1, लॉ ऑफ साइन, एक्सरसाइज 12.4। ओके जी, आज हमने कल के लेक्चर में 12.3, आज के लेक्चर पर जाने से पहले मैंने कल के लेक्चर का थोड़ा सा रिव्यू बता दूं कि 12.3 में हमने क्या डिस्कस किया था, टॉपिक क्या था हमारे पास, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, यानी चैप्टर नंबर 12 का 12.3 से हमने स्टार्ट लिया था, जिसमें था कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, बेस है, परपेंडिकुलर है या हाइपोटेन्यूज है। तो हमने कैसे कभी परपेंडिकुलर फाइंड करना था तो कभी बेस फाइंड करना था अकॉर्डिंग टू द फार्मूलाज ऑफ साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा। क्लियर? अच्छा, आज का जो लेक्चर है हमारे पास कि एक ट्राइंगल को हम कैसे सोल्व करते हैं, ठीक है, इसकी हमारे पास फर्स्ट केस को डिस्कस करेंगे, लॉ ऑफ साइन को। केस टू में हमने डिस्कस करना है लॉ ऑफ कोसाइन को, ठीक है, 12.5 में। तो आज के लेक्चर का हमारा रिव्यू मैं थोड़ा सा बता दूं कि लॉ ऑफ साइन यानी कोई सा भी ट्राइंगल अगर आपके पास गिवन है और उसका सोल्यूशन हम कैसे फाइंड करते हैं, तो उसका सोल्यूशन कैसे फाइंड किया जाता है, जस्ट कीप इट इन योर माइंड कि हमारे पास जब एक ट्राइंगल है उसके कितने एलिमेंट्स होते हैं, सिक्स एलिमेंट्स होते हैं, थ्री साइड्स एंड थ्री एंगल्स, थ्री साइड्स एंड थ्री एंगल्स होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या है कि उसको सॉल्व करते हैं, यानी थ्री एंगल्स को, तो कभी दो एंगल्स गिवन होते तो हमें कभी एक एंगल फाइंड करना होता है, कभी हमारे पास एक साइड गिवन हो तो बाकी दो साइड हमने फाइंड करने होते हैं, इस तरह से, ठीक है। तो इसमें हमारे पास केसेस हैं कुछ, ठीक है, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है, उसको हमने माइंड में रखना होगा, उसके अकॉर्डिंग हमने केस वन, यहाँ हमारे पास लॉ ऑफ साइन है, केस टू में लॉ ऑफ कोसाइन है, हमने कब लॉ ऑफ साइन यूज करना है, हमने कब लॉ ऑफ कोसाइन यूज करना है, हमने कब लॉ ऑफ टेंजेंट यूज करना है, ठीक है। तो कैसे, डेफिनेशन ऑफ ऑब्लिक ट्राइंगल, अ ट्राइंगल विच इज नॉट राइट इज कॉल्ड एन ऑब्लिक ट्राइंगल एंड सो ईच वन ऑफ देम इज ऑब्लिक। हमारे पास ये ऑब्लिक ट्राइंगल है, यानी ये दो ट्राइंगल हमारे पास गिवन है, एक हमारे पास एक्यूट ट्राइंगल है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, और दूसरा हमारे पास ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल है। क्लियर? एक हमारे पास एक्यूट एंगल ट्राइंगल है और दूसरा हमारे पास जो है वो ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल है। एक्यूट क्या होता है, जो हमारे पास लेस देन 90, जिसके एंगल्स लेस देन 90 डिग्री होते हैं, और ऑब्ट्यूस क्या होता है, जिसका एक एंगल हमारे पास क्या होता है, ग्रेटर देन 90 होता है। अभी तक तो हम 12.3 में डिस्कस कर रहे थे किसको, राइट एंगल ट्राइंगल को। अभी हमने जो सोल्यूशन करना है, सॉल्व करना है ट्राइंगल को, वो हमारे पास कोई सा भी ट्राइंगल आ सकता है, एक्यूट भी आ सकता है, ऑब्ट्यूस भी आ सकता है। टू सॉल्व अ ट्राइंगल वी कैन यूज द फॉर्मूलास। जब हम किसी ट्राइंगल को सॉल्व करते हैं, जैसे हम 6-7 क्लास से ये चीज पढ़ते आ रहे हैं, जो लास्ट वाली कंडीशन है, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गेमा इक्वल टू 180 डिग्री। अल्फा बीटा गेमा क्या है, ये हमारे पास एंगल्स हैं किसी भी ट्राइंगल के। अगर हम किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स को प्लस करते हैं तो हमारे पास लास्ट में रिजल्ट क्या आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए, ठीक है। तो अच्छा, यहाँ पे हमने केस वन डिस्कस करना है, व्हेन मेजर्स ऑफ वन साइड एंड टू एंगल्स बाय यूजिंग द लॉ ऑफ साइन। जब आपके पास क्वेश्चन में हो, जस्ट कीप इट इन योर माइंड, जब आपके पास क्वेश्चन में हो कि आपके पास अगर वन साइड गिवन है और टू एंगल्स गिवन है, एक साइड गिवन है किसी भी ट्राइंगल के, मैंने आपको स्टार्ट में बता दिया कि हमारे पास किसी भी ट्राइंगल के सिक्स एलिमेंट्स होते हैं, थ्री एंगल्स थ्री साइड्स। तो क्या है कि यहाँ पे हमारे पास सॉल्व करने के लिए हमें छह एलिमेंट्स चाहिए होंगे। तो हमारे पास क्या है कि गिवन कंडीशन क्या होगी कि व्हेन मेजर्स ऑफ वन साइड, हमें एक साइड गिवन होगी और दो एंगल्स गिवन होंगे, तो बाकी हमने दो साइड और एक एंगल फाइंड करना होगा। तो उस सिचुएशन में हमने क्या यूज करना होता है, लॉ ऑफ साइन यूज करना होता है। क्लियर? 12.5 में हमने लॉ ऑफ कोसाइन और लॉ ऑफ टेंजेंट यूज करना होगा, ठीक है। उस तरह से आपको फिर मैं कंडीशन बता दूंगी। ओके जी, लॉ ऑफ साइन का फार्मूला क्या है, ए डिवाइडेड बाय साइन अल्फा, बी डिवाइडेड बाय साइन बीटा, सी डिवाइडेड बाय साइन गेमा। अब ये इसका फार्मूला है लॉ ऑफ साइन का, इसका फार्मूला है
ला ऑफ साइन का। अब ऊपर जो न्यूमिरेटर में आपको लास्ट कंडीशन या फॉर्मूला में जो नजर आ रहा है, ए बी सी क्या है हमारे पास, साइड्स हैं, और अल्फा बीटा गेमा क्या है, अल्फा बीटा गेमा आर द एंगल्स, साइन अल्फा साइन बीटा साइन गेमा, ये लॉ ऑफ साइन इसे बोलते हैं। ठीक है, ये जब कभी मेरे पास टाइम हुआ मैं आपको छोटे छोटे इस तरह के ये वैसे तो आप लोगों के बुक वर्क में इसका प्रूफ नहीं है, ठीक है, लेकिन जब कभी मेरे पास टाइम हुआ तो मैं आपको छोटे छोटे वीडियोस क्लिप भिजवा दूंगी इसके थ्रू, वीडियो क्लिप्स भिजवा दूंगी, ये लॉ ऑफ साइन का प्रूफ, लॉ ऑफ कोसाइन का प्रूफ। लेकिन जस्ट हमने अभी यहाँ पे क्वेश्चन को सोल्व करना है तो फार्मूला को जस्ट याद रखना होगा। ठीक है, ये भी हमने एक ट्राइंगल एक ऑब्ट्यूस और एक एक्यूट एंगल से ही हमने इसको प्रूफ किया है। ठीक है, कन्वर्ट किया इसको राइट एंगल ट्राइंगल में, फिर इसकी हेल्प से हमने ये लॉ ऑफ साइन का फार्मूला बनाया है, क्या है, ए डिवाइडेड बाय साइन अल्फा, बी डिवाइडेड बाय साइन बीटा, सी डिवाइडेड बाय साइन गेमा। जस्ट इसको माइंड में रखें, या आगे चलते हैं, इसी फार्मूला को हम थ्री मजीद कंडीशन में लिख सकते हैं, यानी ए डिवाइडेड, आप देखें जरा इसी फार्मूला को माइंड में रखें, a divided by sin alpha equal to b divided by sin beta, हम यूं भी लिख सकते हैं, b divided by sin beta equal to c divided by sin gamma, a divided by sin alpha equal to c divided by sin gamma, यानी तीनों हमारे पास क्या है, साइड्स, और वो इक्वल है फार्मूला में, तो हम इसको इस तरह से ब्रेक करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, आगे क्योंकि हमारे पास इस तरह की जरूरत पड़ सकती है। क्लियर, 12.4। अभी फर्स्ट फार्मूला जो मैंने आपको बाद में फर्स्ट स्लाइड में फर्स्ट टू फार्मूलाज लिखवाए हैं इसको भी माइंड में रखें, और जो अभी आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है ग्रीन फार्मूलाज इसको भी माइंड में रखें। जब कभी आपके पास, जस्ट कीप इट इन योर माइंड, में दोबारा से रिपीट कर रही हूँ बात को, कि जब कभी आपके पास कितने एंगल्स गिवन हो, दो एंगल्स गिवन हो और एक साइड गिवन हो, तो हमने फार्मूला लगाना होता है ये वाले फार्मूलाज। जब कभी आपके पास ए गिवन हो साइड ए और दो एंगल्स अल्फा बीटा गिवन हो, तो आपने फर्स्ट फार्मूला यूज करना होगा। जब कभी आपके पास बीटा और गेमा गिवन हो या बी या सी साइड गिवन हो, तो आप लोगों ने सेकंड फार्मूला यूज करना होगा। जब कभी आपके पास अल्फा या गेमा गिवन हो एंगल्स में से और आपने ए या सी साइड फाइंड करनी है, तो आपने फिर थर्ड फार्मूला यूज करना होगा। क्लियर, सॉल्व द ट्राइंगल ए बी सी इफ अल्फा 42 डिग्री 45 मिनट्स, गेमा 74 डिग्री 32 मिनट्स एंड सी साइड है 16.1। अब आप चाहो तो इस क्वेश्चन को हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं, लेकिन पहले मैं चाहती हूं अल्फा और बीटा गेमा को मैं क्या करूं, इसको मैं थ्रू आउट डिग्री में कन्वर्ट कर दूं, थ्रू आउट, क्योंकि हमारे पास एंगल्स किस में होता है, डिग्री पे होता है। ठीक है, तो मैं किस में कन्वर्ट कर दूं, अगर इसको मैं थ्रू आउट, यानी 42 डिग्री 45 मिनट है और यहाँ पे गेमा की वैल्यू है 74 डिग्री 32 मिनट है, तो मैं चाहती हूँ इसको मैं पूरा प्रॉपर सॉल्व करके एक डिग्री में आंसर कर दूं। ठीक है, जो कि हमने 12.1 और 2 में इस चीज को डिस्कस किया है। ठीक है, अच्छा देखिए यहाँ पे अल्फा और गेमा है, जरा यहाँ पे देख लें अल्फा और गेमा की वैल्यू गिवन है और सी साइड फाइंड करना है, तो आप लोगों ने ऊपर स्क्रीन पे जो स्टार्ट में तीन फार्मूलाज नजर आ रहे हैं उसमें से कौन से फार्मूले के थ्रू करना होगा, यानी पहले बीटा फाइंड करना होगा, क्या फाइंड करना होगा, पहले तो हमें बीटा फाइंड करना होगा, बीटा जो मैंने पीछे आपको फार्मूला बताया है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गेमा इक्वल टू 180 डिग्री, यहाँ पे दो एंगल्स गिवन है तो एक एंगल फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हमने स्टार्ट में तीन फार्मूलाज दिए हुए हैं, हम यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन पीछे जो मैंने आपको फार्मूला नंबर 1 लिखवाया है तो वो बेस्ट वे है। ठीक है, कि आपके पास अगर दो एंगल्स और तीसरा एंगल आपने फाइंड करना है तो फार्मूला यूज करना होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गेमा इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर, अच्छा फिर आपके पास बीटा भी आ जाएगा, फिर आपने बी और सी साइड फाइंड करना है, फिर आप देखें कि आप लोगों ने क्या, ये आपको स्क्रीन पे जो नजर आ रहे हैं कि आप लोगों ने फार्मूला नंबर 1 यूज करना है 2 या 3। एज वी नो दैट कि हमने जब 1 मिनट हो और आपने जब डिग्री में कन्वर्ट करना हो, तो ये जो रेड कलर में नजर आ रहा है ये आपको रेड कलर की राइटिंग में ये आपके पास फार्मूला है कि 1 मिनट इक्वल टू 1/60 डिग्री। क्लियर, 1 मिनट इक्वल टू 1/60 डिग्री, क्योंकि हमने मिनट वाला जो हमारे पास अल्फा की वैल्यू है और गेमा की वैल्यू है, यहाँ पे मिनट वाला कौन सी टर्म है, 45 और 32 है, तो दैट्स मीन 45 और 32 को हमने डिग्री में चेंज करना है, बाकी 42 और 74 डिग्री में ही है। अच्छा अल्फा क्या है, 42 डिग्री 45 मिनट। अब हमने क्या करना है, यानी आपको रेड कलर की राइटिंग में जो नजर आ रहा है उसको जरा देखें दोबारा से,
वन मिनट इक्वल टू वन डिवाइडेड बाई 60, यानी मल्टीप्लीकेशन वन डिवाइडेड बाई मल्टीप्लीकेशन में क्या है, वन ही है, यानी जो हमारे पास मिनट होगा वही मल्टीप्लीकेशन में वो टर्म होगी। 1/60 के साथ कुछ नंबर नहीं, डॉट्स मीन वो वन मल्टीप्लाई हो रहा है। अब देखिए हमने क्या करना है, अल्फा इक्वल टू 42 अपनी जगह पे, क्योंकि 42 तो हमने डिग्री था, और 45 हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया 1/60 के साथ। अगर इसको फार्मूला के साथ कंपेयर करें तो यही चीज आती है, यानी 45 को हमने किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में कन्वर्ट करना है। 45 को किस में कन्वर्ट करना था, डिग्री में कन्वर्ट करना था। 42 तो ऑलरेडी था, तो हमने क्या किया कि 42 मल्टीप्लाई बाय 1/60 कर दिए, क्योंकि ऊपर फार्मूला में क्या है, रेड कलर की राइटिंग में, 1 मिनट इक्वल टू 1/60, दैट्स मीन 1 मिनट इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 1/60, यानी जो नंबर हमारे पास मिनट में होगा वो मल्टीप्लीकेशन में भी होगा। क्लियर? अब हमने क्या करना है, 42 मल्टीप्लाई बाय 1/60 कर दो, और 42 के साथ प्लस कर दे, तो हमारे पास ये फुल की फुल वैल्यू डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगी। ये देखिए हमारे पास क्या आ गया, 42 डिवाइडेड बाय 60 किया, 45 डिवाइडेड बाय 60 किया, तो हमारे पास 0.755, और 42 के साथ प्लस तो 42.75 डिग्री आ गई, यानी पूरी वैल्यू हमारे पास डिग्री में चेंज हो गई है। अगेन हमने क्या किया, 74 डिग्री 32 मिनट। अब हमने इसको भी चेंज करना है, एज इट इज वही रूल है, 74 एज ही रहेगा, 32 वाली टर्म डिग्री में चेंज कर देंगे, ठीक है, एंगल की वजह से, क्योंकि एंगल को डिग्री पे होना चाहिए। ये हमने इस तरह से कर दिया, क्या किया, 74 32 32 वाली टर्म मिनट में है, तो उसको हमने डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए उसका फॉर्मूला यूज किया। 74 भी, अब ये यूनिट सेम हो गए तो ये प्लस हो सकते हैं, क्योंकि दोनों 32 भी डिग्री में कन्वर्ट हो गया है और 74 तो था ही डिग्री में, तो इसको हमने प्लस किया तो ये चीज बन गई। तो इट्स मीन हमारे पास आ गया गेमा इक्वल टू 74.53 डिग्री। क्लियर? नो, अब हमारे पास क्या है, अल्फा की वैल्यू डिग्री में कन्वर्ट हो गई है, गेमा की वैल्यू भी डिग्री में कन्वर्ट हो गई है, सी हमारे पास 16.1 है। फिलहाल हम सी को नहीं लेते, हम पहले बीटा फाइंड कर लेते हैं। नाउ फाइंड बीटा यूजिंग फार्मूला, दैट इज द बेस्ट फार्मूला फॉर द फाइंडिंग एंगल, इफ द एंगल गिवन, एंगल्स आर गिवन, हमारे पास कितने एंगल्स हो, टू एंगल्स हो, हमारे पास कितने एंगल्स गिवन हो, अगर टू एंगल्स गिवन हो और एक एंगल फाइंड करना हो, सो दैट्स वाई यूजिंग दिस वन फार्मूला, अल्फा प्लस बीटा प्लस गेमा इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे हमने क्या की, वैल्यूज पुट कर दी, ठीक है, अब ये दोनों आपस में प्लस हो जाएंगी, ठीक है, प्लस हो जाएंगी, प्लस होने से क्या आया, 117.283 डिग्री, ये उस साइड पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो बीटा की वैल्यू भी आ गई 62.717। नाउ फाइंड साइड्स ऑफ ट्राइंगल ए बी, सॉरी सी नहीं, ए बी, सी तो गिवन है ऑलरेडी। अब आपके पास जो मैंने लॉ ऑफ साइन का फॉर्मूला स्टार्ट में लिखवाए थे, उस फार्मूले को ब्रेक करके भी मैंने स्लाइड नंबर 2 पे जो फार्मूलाज लिखवाए, अब देखो आपके पास अल्फा की वैल्यू भी आ चुकी है, बीटा की भी आ चुकी है, गेमा की भी आ चुकी है, और सी की वैल्यू भी है। एक साइड गिवन है, दो साइड्स फाइंड करने हैं, ठीक है, तो क्या करेंगे, हमने ये वाला फार्मूला प्रेफर किया, 1 डिवाइडेड बाय साइन अल्फा, सी डिवाइडेड बाय साइन गेमा। हमने साइन अल्फा, यही अल्फा की वैल्यू फार्मूला में क्या करेंगे, हमने ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है, यहाँ पे तीनों अब गिवन है तो एक हम फाइंड कर सकते हैं, तो ए अपनी जगह पे आ जाएगा, और साइन और अल्फा की वैल्यू आपके पास गिवन है, ठीक है, सी की वैल्यू 16.1 थी, और साइन गेमा यानी गेमा की वैल्यू भी आपके पास गिवन है। यहाँ पे क्या की, अबव कंडीशन में पुट कर दिया। अब यहाँ पे आप लोगों ने काम खुद ही करना है, ठीक है, इससे आगे मैं आप लोगों का होमवर्क है, ठीक है, क्योंकि अभी रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चन नंबर 4 और 5 ही इंक्लूडेड हैं। क्लियर? तो आप लोगों को मैंने फार्मूलाज डिटेल में बता दिए हैं। क्लियर? यहाँ पे अब आपने क्या करना है, सिंपल कैलकुलेटर उठाना है, साइन 42.75, उसके अंदर आपने क्या करना है, कैलकुलेटर में पुट करनी है और आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। फिर साइन 74 की वैल्यू आपने पुट करनी है, साइन 74.53 कैलकुलेटर के अंदर, तो आपको एक वैल्यू देंगे, ठीक है। फिर आपके पास क्या होगा, साइन की एक वैल्यू आएगी, आप लोगों ने 16.1 को साइन 74.53 पर डिवाइड कर देना है, और फिर मल्टीप्लाई कर देना है 42.75 की वैल्यू आएगी, मल्टीप्लाई करके तो उस तरह से हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी। फिर आपने बी की वैल्यू के लिए आप लोग सेकेंड वाला फार्मूला यूज कर सकते हो, जो कि मैंने आपको स्टार्ट में तीन फार्मूलाज मजीद लिखवाए हैं, ठीक है, उसके लिए आप बी का फार्मूला भी यूज कर सकते हो। होमवर्क क्लास के आप लोगों का एक्सरसाइज 12.4 क्वेश्चन नंबर 4 का हाफ पार्ट, यानी क्वेश्चन नंबर 4 को मैंने
आप लोगों का आगे आप खुद का टास्क है, क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर 1-4 में मैंने आपको बीटा की वैल्यू भी फाइंड करना बता दी है, ए की वैल्यू भी तकरीबन बता ही दी है, आगे सिंपल कैलकुलेशन और बी की वैल्यू आप लोग खुद फाइंड करें, यानी सिर्फ ए की पार्ट आप लोगों ने, हाफ पार्ट नहीं, यानी ए की पार्ट आप लोगों ने थोड़ा सा आगे सॉल्व करना है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 भी बिल्कुल एज इट इज है, बिल्कुल ऐसे ही है जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, जस्ट वैल्यूज चेंज है। तो ये आप लोगों का होमवर्क है, जहां से प्रॉब्लम हो आप काइंडली व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। क्लियर, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।